अशोक गहलोत सबसे मुलाकात कर रहे हैं और देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले देखिए वो पहुंचे अपने बहन के घर, वहां पर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं उनको गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करते हुए अभिवादन करते हुए। तो अभी अपनी बहन के घर से जब बाहर निकले तो आस पड़ोस के लोगों से मेल मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक खास बात, क्योंकि राजनीति में हर एक तस्वीर के, हर एक बयान देने के और बयान ना देने के अपने मायने और मतलब होते हैं। क्योंकि जब अशोक गहलोत यहां पर अपनी बहन के पहुंचे तो साथ में उनके बेटे वैभव गहलोत भी थे। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, मीडियाकर्मी बात करना चाह रहे थे। अशोक गहलोत पहले बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, वैभव गहलोत बाहर निकल कर आते हैं, वैभव गहलोत तमाम मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं और फिर उसके बाद जब अशोक गहलोत निकल कर बाहर आते हैं तो मीडिया से वो कुछ बातचीत नहीं करते। हालांकि मीडिया लगातार उनको यहाँ पर फॉलो करते हुए, जाहिर तौर पर जब वो अपना मतदान डालेंगे तो उम्मीद करनी चाहिए कि अशोक गहलोत की तरफ से मीडियाकर्मियों से बातचीत की जाएगी, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उत्साही हैं जो कि अशोक गहलोत की बहन के घर के आसपास पड़ोसी हैं और वो वहाँ पर नारे भी अशोक गहलोत के समर्थन में लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। जोधपुर की लाइव तस्वीरें, सरदारपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं अशोक गहलोत और लगातार उनका यही दावा, उनका यही कहना कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, उनका यही भरोसा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ इस बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं है और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अब ये तो जनता को तय करना है, आप लोगों को तय करना है। वैसे 9 बजे तक, यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक दो घंटे के दौरान 9.77% वोट परसेंटेज हो चुका है, मतदान का प्रतिशत सामने आ चुका है। कुल मतदान की अगर बात करें, कुल वोट्स की अगर बात करें तो ये वोट की जो संख्या है वो करीब करीब 5 लाख से ऊपर अभी तक वोट डाले जा चुके हैं। हालांकि मतदान प्रतिशत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस तरीके से 9.77% मतदान हुआ है, अभी आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान आपको लगातार तमाम दिग्गजों के जो मूवमेंट है उसको दिखा रहा है। वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, अगर मंदिर में मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं तो उसको भी वो दिखा रहे हैं। बीकानेर संवाददाता मधेश दाधीश कुछ बड़ी खबर के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए सीधा उसका रुख करते हैं। माफ कीजिएगा, महेश दाधीश हमारे जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, आपके पीछे मेरे को काफी भीड़ दिखाई दे रही है, कतारें दिखाई दे रही है, खासतौर पर महिलाओं की, क्या अभी तक वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है वोटर्स पर? रविंद्र, बिल्कुल आपको जानकारी देना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में आज मतदान का दिन है और सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मैं इस समय में बगरू विधानसभा में पहुंचा हुआ हूं, ये बगरू का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां की मतदान केंद्र बनाया गया। सुबह 7 बजे से कमोबेश इसी तरह की कतारें, जो लंबी लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि महिलाएं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में कई देर से इंतजार कर रहे हैं, स्लो प्रोसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। 19 विधानसभा सीटों में जयपुर की ये एक सीट है जिस पर कि अभी तक 7.86% मतदान यहां पर हो चुका है। 2013 में यहां पर कैलाश वर्मा जीते थे तो 2018 में गंगा देवी कांग्रेस से जीत करके आई थी। अभी जो चुनाव है काफी रोचक रहेगा, लेकिन लोगों से यहां पर बात करने की कोशिश है। आप बच्चों के साथ में यहां पर कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया आपको यहां पर? हाँ। वोट डाला कि नहीं? नहीं, अभी डाला। वोट डालना है अभी तो वोट डालने के लिए देखिए आप कितनी देर से खड़े हो। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप बच्चों के साथ में हैं? हाँ। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा भर हो गए हैं। तो 1 घंटा हो गया। छोटा बच्चा है, छोड़ के आई। 1 घंटा 2 घंटा हो गया। मैंने कहा था 2 घंटा हो गया भाई, छोटा बच्चा मके तो वोट डालना जरूरी है। जरूरी है वोट डालबा के लिए। कहीं क्या बोला जो आज कोनी आया अठे माने कहीं बोला जरूरी है वोट देना तो। हाँ, आप पहली बार वोट डालोगे? हाँ। पहली बार वोट डाल रहे हो? हाँ। तो आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे, पता है क्या आपको? नहीं। आप जो नव मतदाता हैं वो पहली बार अगर वोट डालेंगे तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप क्या बोलना चाहेंगे जो वोट अभी तक नहीं डालने आए, उन लोग को क्या बोलेंगे? वोट डाले जरूरी है। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, ये पूछूंगा कैसी सरकार आपको चाहिए? बीजेपी।
बीजेपी। अरे नहीं, मैंने कहा कैसी सरकार जो क्या करे, ऐसी आपके पास फिर से लौटेंगे। लेकिन राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक कितने वोट कास्ट हुए हैं, किन किन जिलों में, वो भी वीआर के यानी कि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते चल रहे हैं। तो देखिए बूंदी की बात कर ले तो 10.38%, चित्तौड़गढ़ में 9.27% और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुरू की अगर बात कर ले तो 10.34% और दौसा में 8.93%। तो देखिए लगातार हम आपको वो आंकड़े बता रहे हैं सुबह 9 बजे तक के क्या आंकड़े रहे। बूंदी में 10.38%, चित्तौड़गढ़ में 9.27%, चुरू में 10.34%। तो ये हम आपको प्रतिशत बता रहे हैं और लगातार देखिए पल पल की अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर की बात कर ले देखिए 9.04% यहां पर मतदान, और अलवर की बात करें तो 9.95% हुआ है, और वहीं अगर बात बांसवाड़ा की कर ले तो 10.18%। तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। 12 की बात कर ले तो 12.97%। तो देखिए ये आंकड़े हम आपको 9 बजे तक के बता रहे हैं और चढ़ेगा आंकड़ा बढ़ेगा। बिल्कुल आंकड़ों के साथ ही ये आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है, ऊंट के माध्यम से हम आपको 2 घंटे के आंकड़े दिखा रहे हैं। और ऊंट की बात आती है तो राजस्थान में ऊंट कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताता है। राजनीति का ऊंट, चुनावी नतीजों का ऊंट, किस करवट बैठेगा 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन जरा देख लीजिए आप एक एक करके ये ऊंट गुजरते जा रहे हैं। अलवर की बात करी हमने, इसके अलावा 12 जिले की बात करी, और भी एक एक करके जिलों की बात करते हुए बाड़मेर में 7.90% मतदान, कुल मिलाकर पल्लवी 9.77% मतदान हुआ। और जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है पल्लवी, वैसे देखिए हम वोटिंग कास्ट परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभी टाइम क्योंकि हुआ है, अभी आगे बढ़ेगा। भरतपुर में 10.8% के आसपास जो है मतदान हुआ है, भीलवाड़ा में 9.24% मतदान हुआ, बीकानेर का रुख करेंगे तो वहां पर 9.27% मतदान हुआ है। ये 9 बजे तक का हम आपको बता रहे फीसदी की कितने फीसदी मतदान हो चुका है। अभी 10 बजे के आसपास का समय हो रहा है, अभी आप लोग जा रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये आगे बढ़ेगा और वो भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो ऊंट की चाल तेज होगी, ऊंट की चाल अभी थोड़ी मध्यम है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि ऊंट की चाल अभी रवीन एक्चुअली महिलाएं भी होंगी, काम कर रही होंगी घर पे, वो भी निकल रही होंगी, अभी अभी तो निकलना शुरू हुआ है। पल्लवी वो तस्वीर जो हमारे संवाददाता ने दिखाई रविंद्र, वो हमने देखा है कि महिलाएं कितनी जागरूक नजर आ रही हैं, पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बच्चों को घर पर छोड़ करके आई हैं, एक एक घंटे लंबी कतारें लाइन में लगी हुई दिख रही हैं। लेकिन ये भी उन्होंने साथ ही साथ कहा कि वोट डालना जरूरी है और मत वो जरूर डालेंगे, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो पहले घर का काम कर रही हैं उसके बाद फिर वोट डालने के लिए आ रही हैं। अब आप अशोक गहलोत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोधपुर में वो अपना वोटिंग कास्ट परसेंट कास्ट करने के लिए उसके पहले वो अपने बहन के घर पर गए हैं जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। इस बीच में वैभव गहलोत से मीडिया मुखातिब भी हुई, ये तस्वीरें भी अहम हो जाती हैं। साथ ही हम आपको वो भी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने राजस्थान में जिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट कास्ट किया है, उन 8800219364 नंबर पर अपने इमेज को यानी कि व्हाट्सएप किया है और न्यूज 18 उनको प्रमुखता से दिखा भी रहा है टीवी स्क्रीन पे। इसीलिए आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कास्ट करिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपने फोटो को, और ये फोटो हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीर देखकर भर सक खुशी भी महसूस होगी। इसीलिए न्यूज 18 राजस्थान ये अपील कर रहा है, और खासकर जो नए वोटर्स है वो भी हमने देखा, महेश ने हमारे जो संवाददाता थे उनकी दिखाई हमने बातें सुनाई आप तक, और उन्होंने कहा ये देखिए ये तस्वीरें बेहद खास हैं। बिल्कुल सीएम अशोक गहलोत की हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है, साफा पहनाया गया है। देखिए ये तस्वीर जोधपुर से हम आपको दिखा रहे हैं अपने गढ़, यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और वो तस्वीरें जब वो अपने बहन के घर पर पहुंचे, वहां पर अभी जो तस्वीर है देखिए घर के अंदर की ये तस्वीर है, यहां पर बड़ी संख्या में लोग सीएम अशोक गहलोत की एक झलक पाना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए सीएम अशोक गहलोत घर के भीतर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे सीएम अशोक गहलोत पहुंचे उनका स्वागत किया गया और अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आए। और इस बार सरदारपुरा सीट से प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में है और